फिल्म को शूट किया है, तो वहाँ पे मुंबई जैसी इक्विपमेंट्स, मुंबई जैसा हर तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके विदाउट एनी केओस वन स्केड्यूल में फिल्म को कंप्लीट किया, तो तारीफ़ काबिल है सर ये चीज़ आप लोगों के लिए। तो बहुत मज़ा आया ये शूट करके फिल्म आपके साथ, और ये फिल्म बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी अगर हम अपने डायरेक्टर की बात ना करें, राजेश जी की बात ना करें, क्योंकि मैं अब तक बहुत मॉडर्न करेक्टर प्ले करता आ रहा हूँ, चाहे यारियाँ हो, हीरोपंती हो या मुजफ्फरनगर हो, कहीं ना कहीं मैं खुद से रिलेट कर सकता था क्योंकि मैं बहुत आउट गोइंग हूँ, बिल्कुल भी शायद नहीं हूँ, जितना देर से बात कर रहा हूँ चपड़ चपड़ आप देख ही रहे हैं। बट ये जो करेक्टर मैंने इस फिल्म में प्ले किया है, हिज नेम इज़ कौशल, और ये अटायर भी थोड़ा थोड़ा कौशल का है, थोड़ा मॉडर्न है, बट कौशल इज़ अ वेरी सिंपल गाय जो कि एक सीधे साधे गाँव का पढ़ा लिखा लड़का है और अपने गाँव की तरक्की के बारे में सोचता है हमेशा। और इस तरीके के करेक्टर को प्ले करने के लिए आई बिलीव अगर अच्छा डायरेक्टर ना हो तो कहीं ना कहीं वो देव शर्मा ही बाहर आ जाता, लाइक ऑल अदर फिल्म्स के, हाँ यार ये तो देव ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा या ऐसा कुछ। बट हियर आई फेल्ट ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद राजेश जी, ही वर्क रियली हार्ड ऑन मी एंड स्मृति एज वेल, तो उस वजह से वो कौशल और ये कल्पना पॉसिबल हो पाया, तो थैंक यू सो मच राजेश जी। अब बात करते हैं हमारी हीरोइन की, तो मैंने तो थोड़ा बहुत काम किया है आप लोगों को पता ही है, बट स्मृति की पहली फिल्म थी लेकिन लगा नहीं आ रही है, मतलब 19-20 का फर्क होता है ना, तो इधर मैं 19 था, शी वॉज 20, शी वॉज वे बेटर देन मी एंड वेरी एक्सप्रेसिव एंड